गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पायर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज क्वेश्चन क्या था हमारा, 16 नंबर। इसमें क्वेश्चन था 16 नंबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80, मतलब आपको गुना करने पर क्या लाना है। इसको गुना करने पर पहले आप चेक कर लीजिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट का एक्स का कोएफिशिएंट क्या, 1। यानी 80 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। यानी गुना करने पर कितना लाना है, 80 लाना है। जोड़ने का टाइम मिडिल टर्म देखिए, इसको स्प्लिट करेंगे 11 लाना है, तो 80 का आप लोग क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो हमें तो पता है कि 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, 16 पच्चीस 80, देखिए 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो देखिए तो 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, देखिए 16 में से 5 घटा देते 11 आ जाएगा और 16 पच्चीस 80 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तो 11 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए हमको बड़ा वाला माइनस देना पड़ेगा, छोटा वाला प्लस। तो पता चल गया, तो यहाँ पुट कीजिए आप, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 80। तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, x कॉमन है, तो x माइनस 16 बचा, यहाँ भी x माइनस 16। अब 5x में से x अंदर है तो बाहर कौन है, 5। अब इसको सेटिस्फाई करने के कौन सा साइन लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस, यानी x माइनस 16 बचा और क्या बचा, x प्लस 5 बचा। ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा नंबर, 16 नंबर। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्या बोल रहा है, 6 माइनस एक्स माइनस 6 स्क्वायर। तो हम लोग इंट्रोडक्शन जब बता रहे थे क्या करें, पहले इस एक्सप्रेशन को यानी इस पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, पहले अरेंज करें किसके अनुसार, डिग्री के अनुसार। तो डिग्री देखिए सजा हुआ है, ये अरेंज कीजिए पहले। इसको अरेंज करने पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 6। अब ये देखिए अरेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब का तरीका क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट का कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब लास्ट इंटू फर्स्ट का कोएफिशिएंट। तो यहाँ इसका एक स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 1 है। आप लोग पढ़ाएंगे कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा उसका हमेशा कोएफिशिएंट पूछेगा। तो 6 इंटू माइनस है, यानी गुना करने पर आपको माइनस 6 लाना है, जोड़ना घटाने पर कितना लाना है भाई, x लाना है। तो सोचिए अगर हम इस तरह से करते हैं, 3√2x में से 3√2 में से रूट कितना घटा दें, √2 घटा दें, कितना एक से सिर्फ ना छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 2 घटा दिए, देखिए 3 में से 2 घटा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा और 3 में 2 से गुना कीजिए तो 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x किस चीज़ में लाना, माइनस में, इसलिए बड़ा वाला क्या लेंगे हम, माइनस लेंगे, छोटा वाला प्लस लेंगे। ठीक है, देखिए 3 में से 2 गया 1 है और 3 का साइन बड़ा वाला था, माइनस देखिए माइनस है, तो यहाँ पर आप पुट कीजिए तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x प्लस 6। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है भाई, x कॉमन है, x कॉमन थे, यहाँ क्या बच गया, माइनस x और माइनस 3, तो यहाँ ही बच गया माइनस x माइनस 3। तब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, देखिए 2x 2x में से x अंदर चला गया तो बाहर कौन है 2। अब बाहर कौन सा साइन लगे, सेटिस्फाइड है तो माइनस नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये हो गया, ये तो आपका हो गया x माइनस 2 हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया, माइनस एक्स और माइनस, आपका कंप्लीट हो गया 17 नंबर। 2 माइनस 3x दे रहा है, क्या देख लीजिए 17 नंबर क्या आंसर दे रहा है, 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स दे रहा है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ कि देखिए यहाँ पे ये दोनों में कौन गया, माइनस भी तो कॉमन ही, आप ध्यान नहीं दिए थे दोनों में, देखिए एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर निकाल, ठीक, और दोनों में माइनस भी कॉमन है तो माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में से एक्स निकलेगा तो क्या बचा, एक्स बच गया, माइनस तो बाहर निकल ही गया था। अब देखिए माइनस बाहर है तो अंदर प्लस हम ले सकते तब ना, और 3x से एक्स बाहर तो 3 हो गया। देखिए एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में एक्स, यहाँ माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 एक्स में मल्टीप्लाई 3x और माइनस प्लस माइनस, सेटिस्फाई हो गया। अब यही टर्म यहाँ पे लिख दीजिए, एक्स प्लस 3। अब देखिए 2x प्लस 2x में से x अंदर है तो बाहर कौन है 2, अब पूरा प्लस यही प्लस दे, पूरा प्लस दे दीजिए। अब x प्लस 3 x प्लस 3 यहाँ भी, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, बचा क्या 2, या लिख लीजिए माइनस x प्लस 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 और 2 माइनस एक्स, मतलब 2 प्लस में प्लस में नहीं है, एक्स माइनस एक्स माइनस में, यह आपका कंप्लीट 17 नंबर। अब 18 नंबर देखिए,
आपको गुना करने पर कितना लाना है, इसका कॉफिशियंट कितना 1 है, यानी गुना करने पर आपको 6 लाना है, और जोड़ने घटाने पर √3x लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 3√3x और प्लस 2√3x, ये हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से दो में से घटाएंगे, ठीक है, दो में से 1√3x को घटाएंगे तब वाला, देखिए तो 2√3x में से 1√3x चला गया तो एक बचेगा, और दो का साइन बड़ा है तो बड़ा का माइनस, देखिए माइनस है, और 2√3 में 1√3 से गुना करके देख लीजिए 6 आ जाएगा, 2√3 में गुना 1√3 से, तो 2 में 1 से 2 और √3 में √3 से 3, देखिए 3 × 6 आ गया, 6 ही लाना था तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर आया था, बचा क्या, x माइनस 2√3, यहाँ भी क्या लीजिए, x माइनस 2√3। अब देखिए आप √3x में से x अंदर चले गए तो बाहर कौन रहेगा भाई, √3। अब देखिए प्लस में तो हम कौन लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस। अब देखिए x माइनस 2√3, x माइनस 2√3 दोनों में कॉमन है, तो आपका हो जाएगा x माइनस 2√3, बचा क्या, x प्लस √3, x प्लस √3। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 18 तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।